जब आपके स्किन के पोर्स ओपन होते हैं तो उस स्वेटिंग के जरिए आपके स्किन के अंदर जितने भी डस्ट थे पोल्यूशन आपके कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे आपका रुमाल हो गया, आपके पीलो हो गए या आपकी बेडशीट हो गई, प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल उलट है दूध की। यानी हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन होने के साथ साथ इसे स्पेशल और अच्छी तरह ट्रीट करना जरूरी होता है। अगर आप अपनी स्किन के रूटीन की पटरी से थोड़ा सा नीचे उतर जाएं तो आपकी स्किन पर पिंपल्स, एक्नी, स्कार ऐसे होना शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 4 पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपकी स्किन को वर्स्ट टू बेस्ट बनाएगी, आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगी। नंबर 1 पर हम देखेंगे आइडेंटिटी जो कि हमने अभी अभी देखी। नंबर 2 पर हम देखेंगे वो चीजें जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जो कि आपको डेली रूटीन में वो चीजें खत्म करनी है। नंबर 3 पर वो चीजें जो कि आपको करनी है, जो कि आपको डेली रूटीन में अप्लाई करनी है। नंबर 4 पर हम देखेंगे एक होम रेमेडी और एज अ बोनस टिप जो कि आपको लाजमी अप्लाई करनी है। तो हे हैंडसम, दिस इज जमान, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डोंट, वो चीजें जो कि आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी अपनी डेली रूटीन में। नंबर 1 पर आता है पॉपिंग योर पिंपल्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज आप ये जान लीजिए कि जब आप अपना पिंपल पॉपअप करते हैं तो उसमें से जो मटेरियल निकलता है वो आपकी फिंगर्स पर लगता है, आपकी स्किन पर फैल जाता है। और ये मत भूलिए कि ये वही मटेरियल है जिसकी वजह से पिंपल बनता है, यानी कि आपकी स्किन को बना बनाया जो मटेरियल था वो आपकी स्किन पर मिल गया, तो आपके जो पिंपल्स हैं वो और ज्यादा आसानी से फैलना शुरू हो जाएंगे, आपके जो पिंपल हैं वो और ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। अगर आप पॉपअप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे मत करें, इससे आपके डार्क स्पॉट भी बढ़ेंगे, आपके पिंपल भी ऐसे सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके पिंपल ख़त्म नहीं होंगे बल्कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी में अगर हम देखें तो हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे फ़ोन मोबाइल्स, हमारे टीवी रिमोट्स, हमारे जो भी चीज़ें जो हमारे कॉन्टैक्ट में आती हैं, हमारे पेन, हमारे मोबाइल, हमारी बुक्स, हर चीज़ पर बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप अपने फेस को टच करने के आती हैं तो आपको ये भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि हाथ से सारे जरासीम आपके फेस पर इस तरह ट्रांसफर होते हैं और आपके जो फेस पर है वो पिंपल ज्यादा बढ़ते हैं, आपके फेस पर ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपकी स्किन ज्यादा खराब हो जाएगी। नंबर 2 पर वो चीज जो कि आपको नहीं करनी वो है कि आपने जो फैब्रिक को वो गंदा नहीं होने देना, यानी कि वो फैब्रिक जो कि रोजाना आपके कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे आपका रुमाल हो गया, आपके पीलो हो गए या आपकी बेडशीट होगी। मैंने पर्सनली जब मुझे पिंपल्स थे तो मैंने ये बात बहुत नोट की थी कि जब मैं अपने जो बेडशीट थी उस पर कोई चीज कपड़ा बिछाकर ना सोऊं तो मेरे अगले दिन पिंपल लाजमी निकलता था, तो मैंने उसके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो रखना शुरू कर दिया और उसके बाद सोता था, तो वो जो जितने भी जम्स वगैरह थे वो उसी कपड़े में जज्ब होते थे, मेरी बेडशीट पर नहीं लगते थे और मैं हफ्ते बाद बेडशीट धो भी देता था। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी कपड़ा वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप ये जान लें कि वो कपड़ा आपके जो भी जम्स हैं, आपके फेस पर जितने भी ऑयल्स हैं, वो उसे सोख लेता है, उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और जब आप दोबारा सोते हैं तो दोबारा आपके फेस पर लगा भी देता है। आपको कोशिश करनी है आपके जो कॉन्टैक्ट में जितने भी फैब्रिक आ रहे हैं आप उसे साफ रखें, आप उसे गंदा मत होने दें, एटलीस्ट वीक में एक बार लाजमी धो लें ताकि जो गंद वगैरह है, आपके जो ऑयल्स वगैरह आपके जो फेस से वहां पर ट्रांसफर हुए हैं वो खत्म हो जाए और आपको एक फ्रेश जो फ्रेशनेस वाली फील है वो आ सके। तीसरे नंबर पर वो चीज जो कि मुझे इंस्टेंटली पता चली है और वो बिल्कुल सही है जो कि आपको नहीं करनी, वो ये कि आपको कभी भी नमक और दूध को आपस में मिलाकर नहीं पीना। देखिए नमक की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल उलट है दूध की, यानी कि मिले की ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आप इसे मिलाकर किसी भी तरह पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, चाहे वो पराठे के साथ हो, चाहे वो नीमको हो और साथ में दही हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो नमक के साथ आप दूध मिलाकर पी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको रैशेस हो सकते हैं, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, आपको डार्क स्पॉट तक हो सकते हैं। ये चीज़ आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको नमक और दूध को मिलाकर कभी भी नहीं पीना, प्लीज़ इसे अवॉइड कर दें, यह आपकी स्किन में बहुत जल्दी चेंजेस लाता है और बहुत बुरे चेंजेस लाता है। नंबर 3 पर अब वो चीज़ें जो कि आपको लाजमी करनी है। नंबर 1 पर आता है फूड। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप जो खाते हैं उसकी झलक आपके फेस पर नजर आती है। देखें अगर आप जंक फूड खाएंगे, अगर आप ऐसे जंक फूड खाएंगे तो आपके फेस पर फैट, आपके फेस पर पिंपल्स, एक्नी, ये आना एक आम सी बात हो जाएगी, आपके फेस की पूरी रौनक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सब्जियां खाते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, आप फ्रूट खाते हैं, तो आपकी स्किन की जो ब्राइटनेस होगी, आपकी स्किन का जो ग्लो होगा वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो ट्रस्ट मी, आप ये अप्लाई करके देख लें। अगर आप हफ्ते में रोजाना सैलेड खाते हैं तो आपकी स्किन में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं।
हैं, आपकी स्किन ब्राइट होने वाली है, आपकी स्किन ज़्यादा स्पार्क करेगी, आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो जंक फूड्स हैं इसे रिप्लेस करना है अपने ग्रीन वेजिटेबल से, और आपको जंक फूड को कम कर देना है। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, देखें आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा खाते हैं तो आप 2 हफ्तों में एक दफ़ा खाएँ, अगर आप 3 हफ्तों में एक दफ़ा खाते हैं तो आप 4 हफ्तों में एक दफ़ा खाएँ, अगर आप रोज़ाना खाते हैं तो आप प्लीज़ 2 दिन में एक दफ़ा खाएँ। आप ऐसा ऐसा कम करेंगे तो ये कम होगा, आपको इसे कम करना पड़ेगा अगर आप अपनी स्किन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन, अगर आप हो सके तो वो वेजिटेबल्स खाएं जिनका जूस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कैरेट हो गया, आप फ्रूट में ऑरेंज खा सकते हैं, आज तो सीज़न भी था, तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको करना है वो ये कि आपको अपने दिन में 2 मरतबा मुँह लाजमी धोना है, 2 मरतबा फेस वाश है मुँह लाजमी धोना है आपके सुबह, इसलिए क्योंकि आपका जो फेस है वो फ्रेश होता है तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आसानी से निकल जाएंगी रात को सोने से पहले, इसलिए क्योंकि सारे दिन के जो डर्ट्स हैं उसे निकालना ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको दिन में 2 मरतबा अपना फेस लाजमी धोना चाहिए और कोई भी अच्छे से फेस वाश के ऊपर धोना चाहिए। मैंने आपको फेस वाश दिखाए हैं, मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा, वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। हैंडसम, जिस तरह हमारी बॉडी को कुछ खाने के से ताकत आती है उसी तरह आपकी जो स्किन है उसके अंदर स्वेटिंग से आपकी स्किन में एक अलग सी जान आती है, एक ब्राइटनेस आती है, ग्लोनेस आती है। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग आती है तो आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जब आपकी स्किन के पोर्स ओपन होते हैं तो उस स्वेटिंग के ज़रिए आपकी जिस स्किन के अंदर जितने भी डस्ट थे, पोल्यूशन था, मटेरियल थे, वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो प्योर होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपकी स्किन एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, आपकी स्किन बस टू बेस्ट में आना शुरू हो जाएगी। तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपको स्वेटिंग आए और स्वेटिंग आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर सैलड, देखें अगर आपको अपनी स्किन को सच में ब्राइट बनाना है परमानेंटली और नेचुरली तरीके से तो सैलड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप सैलड यूज़ करें, सैलड में आप ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखें अगर आप अपने सैलड को रेनबो में लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर रेड टोमेटो यूज़ करते हैं आप, ग्रीन जो है वो बंद गोभी यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसे सैलड हो गया वो चीज़ें यूज़ करते हैं, आप लीमू लगा लेते हैं, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे अपनी सैलड के अंदर तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी स्किन में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आप अपनी जितनी भी सब्जियों को अपनी जंक फूड की जगह फूड की जगह रिप्लेस करेंगे तो आपकी जो सब्जियाँ हैं वो आपकी स्किन में ग्लो लेकर आएंगी और आपको एक अलग और ताज़ा एहसास भी करवाएंगे। देखते हैं बोनस टिप और हमारी आखिरी टिप, मैंने लास्ट रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने एक गोल्ड मास्क का रिव्यू किया था जो कि मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था, और उससे पहले लास्ट मंथ मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ब्लैक हेड मास्क का यूज़ करके बताया था। तो ये 2 चीज़ें आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेने वाले आने वाले हैं, ट्रस्ट में अगर ये 2 चीज़ें आप हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करें तो आपकी स्किन नेक्स्ट लेवल पर होगी। मैं दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई कार्ड में भी दे दूंगा और वीडियोज़ के एंड में भी दे दूंगा, आप वो वीडियोज़ लाजमी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह ये चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई करनी है। आपको ब्लैक हेड मास्क भी 100 रुपीज़ के अंदर आराम से मिल जाएगा जो कि आप काफ़ी मरतबा यूज़ कर सकते हैं, आपको गोल्ड मास्क भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप दिन में पानी ज़्यादा पिए, जब आप सुबह उठते हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी लाजमी पिए। मैं मानता हूँ कि तब पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप फ्रेश वाटर 1 गिलास पानी पी लें तो आपका जो पेट है वो प्योर हो जाएगा, आपका पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा और आपकी स्किन और ब्लड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो हैंडसम, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक एक कमेंट और आप एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।